इंडिया गठबंधन की बैठक में पहली दफे राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी से राहुल गांधी को काफी दिक्कत हुई। राहुल गांधी यह जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए सूत्रधार नहीं बनते तो शायद ये एकता नहीं हो पाती। ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगी कांग्रेस को सबसे ज्यादा कमजोर करते हुए दिख रही थी। यही वजह है कि बैठक के बाद राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की, उनको भरोसा दिलाया कि आपके बगैर विपक्ष की एकजुटता नहीं रह पाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसे लेकर भी बात होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि आप जब कहिए हम मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार हैं, लेकिन देरी राजद की तरफ से की जा रही है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से अब तक मंजूरी नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा। दरअसल यह पूरा वाक्य तब हुआ जब विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी और विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब जेडीयू की तरफ से जो सोर्स है उन्होंने बताया कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाराजगी की बात जब निकल कर सामने आई तब क्या कुछ हुआ था कांग्रेस के अंदर। दरअसल इस बीच विपक्षी दल की बैठक में जैसे ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर प्रस्ताव दिया कि इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाए, इस बीच राहुल गांधी को भी सीधे तौर पर यह बात अच्छे से नहीं पता था और नीतीश कुमार को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी उस बैठक में हुई तो नीतीश कुमार असहज हो गए। नीतीश को असहज होते देख राहुल गांधी ने चिंता जताई। राहुल गांधी बैठक के बाद नीतीश कुमार को फोन किए। फोन पर उन्होंने पूरे बैठक के दौरान जो वाक्य हुआ उसे लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल किसी भी मुद्दे पर आपकी सहमति के बगैर बात नहीं बनेगी। यही वजह है कि खड़गे ने तमाम बातों के बीच ये कहा कि चुनाव के बाद जो नतीजे हैं उसे देखते हुए चेहरा तय किया जाएगा। राहुल गांधी ने भी यह भरोसा दिलाया है कि चुनाव के नतीजों के बाद ही आगे की रणनीति बनेगी। कांग्रेस और जेडीयू सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच जो बातचीत हुई है उस बातचीत में यह बातें निकल कर सामने आई है कि कांग्रेस ने सीधे तौर पर यानी कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बिहार में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की तो नीतीश कुमार ने विपक्ष की एकजुटता के साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर भी बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर सहमति बन जाएगी और 3 सप्ताह का जो अल्टीमेटम दिया गया उसके पहले ही सभी राज्यों के अंदर जो क्षेत्रीय दल हैं उनको उनके सम्मान के साथ ही समझौता किया जाएगा और तब बात आगे बढ़ेगी। और अब राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच विपक्षी एकजुटता के तमाम कवायद के बीच पहली बार जो फोन पर बातचीत हुई है उसके बाद अब कहा जा रहा कि नीतीश कुमार का जो कद है वो विपक्षी एकजुटता वाले बैठक के बाद अब बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई है कि नीतीश अगर नाराज हो जाएंगे तो इसका खमियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है और नीतीश की नाराजगी का असर विपक्ष की एकजुटता पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि राहुल ने देर नहीं करते हुए फोन पर नीतीश से बातचीत की है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।